नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 26 सितंबर 2022 से होने वाली जो त्रैमासिक आग्रांथी कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के उसे रद्द कर दिया गया है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से यह जो आदेश जारी किया गया है 25 सितंबर 2022 को, जिसमें कहा गया है कि प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ विषय में कहा गया है कि कक्षा पहली से 12वीं कक्षा की केंद्रीयकृत मूल्यांकन या फिर परीक्षा, इसमें रेफरेंस दिया गया है पहला छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्रांक F5/26/2022-20/3 अटल नगर दिनांक 4 जुलाई 2022, SCERT का पत्रांक परिषद आकलन 2022-23/28/26 रायपुर दिनांक 5 अगस्त 2022 और SCERT का पत्रांक त्रैमासिक आकलन 2022-23/32/41 रायपुर दिनांक 16 सितंबर 2022 और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी समय सारणी दिनांक 20 सितंबर 2022। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल के पश्चात विद्यार्थियों की दक्षता और सीखने की गति को चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करने की मंशा से कक्षा 1 से 12वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक तथा वार्षिक अर्थात सतत मूल्यांकन कार्य कराए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि सतत मूल्यांकन सहित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल लक्ष्य तथा उद्देश्य न तो विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना रहा है और न ही तिमाही या छमाही परीक्षा के प्रत्यांग वार्षिक परीक्षा में नहीं जोड़े जाने हैं, बल्कि शिक्षा सत्र के अंत में आयोजित वार्षिक परीक्षा की आवश्यक सतत तैयारी के प्रति उन्हें सचेत और सक्रिय बनाए रखना है। विगत दिनों कतिपय न्यूज चैनलों तथा अखबारों में तिमाही परीक्षा हेतु निर्मित केंद्रीयकृत प्रश्न पत्र के लीक होने के समाचार प्रकाशित हुए, अतः सतर्कता स्वरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन कार्य की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को बरकरार रखने हेतु कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः SCERT तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्मित व जारी प्रश्न पत्र के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा या मूल्यांकन कार्य संबंधित जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। जिसमें नंबर 1 में कहा गया है कि राज्य स्तर से पूर्व में जारी व शाला स्तर पर प्राप्त प्रश्न पत्रों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। नंबर 2 में कहा गया है कि संस्था प्रमुख या प्राचार्य द्वारा शाला स्तर पर प्रश्न पत्र सेट कराया जाए। नंबर 3 में कहा गया है कि प्रश्न पत्र की प्रकृति तथा संख्या ऐसी हो जिन्हें सुगमता से 10 से 15 मिनट में लिखा जा सके। साथ ही नंबर 4 में कहा गया है कि प्रश्न पत्र को परीक्षा कक्ष में चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए। नंबर 5 में कहा गया है कि परीक्षार्थी को अपनी विषय की कॉपी में ही प्रश्नों के उत्तर लिखवाया जाए। नंबर 6 में कहा गया है कि शाला स्तर पर ही परीक्षार्थियों की कॉपी जांच कर मूल्यांकन कार्य पूर्ण करेंगे। नंबर 7 में कहा गया है कि मूल्यांकन पश्चात प्रश्नोत्तर कॉपी विद्यार्थियों को अनिवार्यता लौटा दी जाए ताकि वे तथा पालक स्वयं भी अपने स्तर से आवश्यक मूल्यांकन कर सके ताकि भविष्य में अतिरिक्त तैयारी कर सके। नंबर 8 में कहा गया है कि शाला स्तर पर ही परीक्षा की समय सारणी निर्धारित किया जाए एवं अनिवार्यता यह तिमाही परीक्षा अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाए। नंबर 9 में कहा गया है कि प्रश्न पत्र की एक प्रति परीक्षा आयोजित करने के बाद अनिवार्यता जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए ताकि उनके स्तर से भी गुणवत्ता का आकलन परीक्षण हो सके एवं वे आगामी मूल्यांकन या परीक्षाओं के लिए संबंधित संस्था प्रमुख या प्राचार्यों को समुचित मार्गदर्शन दे सके। उपरोक्तानुसार जिले के सभी हाई या हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों को अनिवार्यता सूचित करें एवं कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से शीघ्र अवगत कराया जावे। तो साथियों, इस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है कि 26 सितंबर 2022 से होने वाली जो त्रैमासिक आकलन थी, त्रैमासिक परीक्षा थी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की, उसे रद्द कर दिया गया है। अब शाला स्तर पर इस समय सारणी निर्धारित करके प्रश्न पत्र सेट करके उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा करके 10 अक्टूबर से पहले त्रैमासिक आकलन विद्यालय स्तर पर लिया जाना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक साथियों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।